हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मेरे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है आपका एक नए वीडियो के साथ। तो आज हम बनाने जा रहे हैं मैक्रोनी। बच्चों की सबसे पसंद होती है मैक्रोनी। इसके लिए हमने लगभग 200 ग्राम मैक्रोनी ली है और ये कुछ सूखे मसाले लिए हैं। दो प्याज जिनको कट कर लिया है, दो टमाटर जिनको हमने अच्छे से कट कर लिया है, और ये दो हरी मिर्च जिसको हम अच्छे से कट कर लेंगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने एक भगोने में पानी को बॉईल कर लिया है। इसके अंदर हम नमक डाल देंगे और थोड़ा सा हम इसके अंदर रिफाइंड ऑयल डाल देंगे, जिससे मैक्रोनी में बहुत ही एक अच्छा अलग सा टेस्ट आएगा। तो ये देखिए हमारा पानी है वो रेडी हो चुका है, बॉईल हो चुका है, उबल रहा है अच्छे से। अब हम इसके अंदर मैक्रोनी डाल देंगे। ये हमने मैक्रोनी डाल दी है और इसको चम्मच की सहायता से अच्छे से मिक्स कर देंगे, ताकि नमक और जो हमारा ऑयल है वो पानी के साथ मैक्रोनी के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए, घुल जाए अच्छे से। ये देखिए अब हम इसको अच्छे से बॉईल होने देते हैं। गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे। तो हमारी मैक्रोनी बिल्कुल रेडी है, बिल्कुल उबल कर तैयार है, अच्छे से सॉफ्ट हो गई है अब हम इसे तोड़ के देखते हैं। तो ये देखिए अच्छे से ये टूट रही है, तो इसका मतलब मैक्रोनी अच्छे से रेडी हो चुकी है। तो अब हम इस मैक्रोनी को एक दूसरा भगोना लेंगे, उसके अंदर हम ठंडा पानी डालेंगे और उस ठंडे पानी के अंदर हम मैक्रोनी डाल देंगे। तो ये देखिए पानी के साथ पानी को हमने हटा दिया है और फिर दूसरे पानी में धो लेते हैं, ताकि ये अच्छे से बिल्कुल साफ़ हो जाए। तो ये देखिए हमने इनको अच्छे से साफ़ कर लिया है और एक छलनी में डाल दिया है, जिससे इनका पानी अलग हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। हमने एक कढ़ाई ली है, कढ़ाई के अंदर हम एक बड़ा चम्मच रिफाइंड ऑयल डालेंगे और इस ऑयल को हम अच्छे से गर्म होने देते हैं। तो ये देखिए हम चेक कर लेते हैं, ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसके अंदर जीरा डाल देंगे, जीरे को अच्छे से ब्राउन होने देते हैं। इसके बाद हम इसके अंदर प्याज डाल देंगे, प्याज को भी थोड़ा गोल्डन ब्राउन होने देते हैं और चम्मच से इसको ऐसे मिक्स कर देंगे। तो प्याज हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसके अंदर हरी मिर्ची डाल देंगे और हरी मिर्ची को भी हमें थोड़ा सा हल्का ब्राउन कर लेना है। हरी मिर्ची और प्याज अच्छे से ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर टमाटर डाल देंगे और टमाटर भी हमें अच्छे से मिक्स कर देने हैं ऑयल के अंदर, अच्छे थोड़ा सा फ्राई कर लेना है। तो प्याज, टमाटर, हरी मिर्ची हमारे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर एक छोटी चम्मच लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। लहसुन के पेस्ट इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही मज़ेदार आएगा। अब हम सूखे मसाले डाल देंगे। तो आधी छोटी चम्मच हमने धनिया पाउडर डाल दिया है और अब हम इसके अंदर लाल मिर्ची पाउडर डाल देंगे आधी छोटी चम्मच, और वैसे आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हो। और नमक डाल देंगे, नमक थोड़ा ही रखेंगे क्योंकि हमने मैक्रोनी के अंदर नमक डाल दिया था वैसे तो। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे, ताकि हमारे जो मसाले हैं वो अच्छे से मिल जाएं। अब ये देखिए हमने मैगी मसाला लिया है, आप देख सकते हो। तो ये मैगी मसाला डाल देंगे, इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा, बहुत अच्छी खुशबू भी आएगी और बच्चे बड़े चाव से खाएंगे इसको। तो ये हमने मैगी मसाला डाल दिया है और इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हमने जो पास्ता तैयार कर रखे थे वो डाल देंगे। पास्ता बिल्कुल साफ़ है हमारे, आप देख सकते हो, क्योंकि हमने इनको दो तीन पानी में निकाल लिया है और इनको छलनी के अंदर डाल दिया था, तो इसमें पानी की मात्रा बिल्कुल भी नहीं है। और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे पास्ता को। तो ये हमारे पास्ता अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब हम इसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे और इसको लो मीडियम पर 2 मिनट तक पकने देंगे। तो 2 मिनट बाद में हम देखते हैं कि हमारे जो पास्ता है वो बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। ये देखिए बिल्कुल रेडी हैं। अब हम इसको अलग बर्तन में निकाल कर सर्व कर देते हैं। ये देखिए चेक कर लेते हैं पहले, पास्ता रेडी हो चुके हैं। तो पास्ता हमारे बिल्कुल रेडी हैं। बच्चों के लिए नाश्ता फटाफट बनाएं और बच्चों को खिलाएं,
बहुत ही फटाफट बनने वाली रेसिपी है। अब गैस का फ्लेम हम ऑफ़ कर देते हैं और अलग बर्तन में निकाल कर सर्व करते हैं। तो ये हमने अलग बर्तन में निकाल दिया, खाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। तो उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। पास में जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिए जिससे मेरी हर नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।